सो यो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हार्डकोर वर्ल्ड सीरीज़। और अभी मैं जैसी वर्ल्ड के अंदर ज्वाइन हुआ, मेरा सारा आर्मर वगैरह सारा सामान चला गया। मेरा बंदा अजीब तरीके से खड़ा हुआ है और बाहर रात भी हो रही है, तो फिर मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं इस छोटे से घर के अंदर आके वीडियो अब स्टार्ट करी है मैंने। तो अभी अपन सो जाएंगे सबसे पहले तो, और फिर जाएंगे बाहर, और फिर अपने मतलब घर में से निकाल लेंगे सारा सामान। अपने घर के अंदर तो एक्स्ट्रा आर्मर वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। चलो भाई, सुबह भी हो गई, तो चलो अब अपन बाहर चलते हैं आराम से। अरे, जाने का रास्ता किधर चला गया? चलो कोई बात नहीं, तैर के चले जाएंगे। एक सेकंड, ये सामने इतने टूटे हुए ब्लॉक्स क्यों दिख रहे हैं? नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो टूट फट नहीं सकता मेरा केसर। ओ शिट, पूरा का पूरा आइलैंड फाड़ दिया। हीरो ब्रायन का बच्चा, एक बार मुझे मिल जाए साले को बम से उड़ा दूंगा। यहाँ पर पूरा पानी हो गया है और लावा। भाई, मेरा नेदर पोर्टल, मेरा घर इतनी मेहनत से बनाया था मैंने। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। एक सेकंड, में किसी चेस्ट के ऊपर खड़ा हूँ, बुक एंड कुल भी रखी हुई है। हीरो ब्रेन के काम होगा, देखते हैं। हाँ, सब हीरो ब्रेन ने करा, मेरा शक बिल्कुल सही था, हीरो ब्रेन ने करा है। अभी इसकी किताब को मैं जाके जला कर आता हूँ। रुक जा, ऐसे नहीं फेंकना भाई, जला के आना है, सीधा लावा में डालूंगा मैं इसको। अबे चढ़ा ही नहीं जा रहा मुझसे। हाँ 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 हाँ, लिखा हुआ है। चढ़ना इतना मुश्किल हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, चढ़ गया। अब आखिरकार इसको मैं फेंक दूंगा लावा के अंदर। और अभी वैसे तो मैंने सिर्फ बुक एंड कोयली फेंका है, कौन सा उसको उठा के फेंका है। चलो कोई बात नहीं, मतलब कुछ दिनों के बाद उसको भी उठा के फेंक दूंगा। और एक और भी बुकैन खुल दी, गो टू दुके गुल्लक ओके मिस्टर एल, नई एंटिटी। अबे नई एंटिटी आ गई मतलब, चलो कोई बात नहीं, सून यू विल फाइंड मी एंड हीरो ब्रेन विल बी डिफीटेड। ओके थैंक्स भाई। लेकिन इसको कैसे पता कि हीरो ब्रेन ख़त्म हो जाएगा? ये क्या टाइम लेवल है कोई? चलो कोई नहीं, बुक को यहीं पे रख देते अपन, क्योंकि इस पे मेरे मतलब कोई दोस्त वगैरह का ही होएगा। हाँ ठीक है, आर्मर वगैरह दिया ना, मतलब ये दोस्त है, मिस्टर एल नाम का एक और एंटिटी आ चुकी है वर्ल्ड में, मुबारक को। और चलो जल्दी से आर्मर वगैरह पहन लेते हैं, सेटिंग वगैरह कर लेते हैं अपनी इन्वेंट्री की, और अब फिर चलते हैं। वो क्या बोल रहा था, गो टू डेट प्लेस फ्रॉम वेयर दिस ऑल थिंग स्टार्टेड। तो किधर से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी, मेरे को वो याद करना पड़ेगा पहले तो। क्या मुझे वो वाले आइलैंड पे जाना पड़ेगा क्या, जहाँ पर मेरे को विलेज वगैरह भी मिला था? नहीं नहीं, वो तो बहुत दूर हो जाएगा, और मेरे को वहाँ के कोऑर्डिनेट भी याद नहीं है, वो भी निकालने पड़ेंगे अपनी वीडियो से ही। तो फिलहाल अपन ऐसे ही चलते हैं। मेरा ख्याल है हम वो वाले एरिया पे जाते हैं ना, जिधर पे हमें हीरो ब्रायन के बारे में सबसे पहले पता चला था, मतलब वो जो सामान वगैरह मिला था हमें, क्योंकि वहीं से तो ये सारा सामान स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ का भी पहले मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा और फिर जाना पड़ेगा। चलो ढूंढते हैं, मेरा ख्याल है इसी तरफ था। हाँ, ये रन स्टोन वाली बायोम में यहीं पर ही था। अबे शिट यार, नीचे गिर गया, चलो कोई नहीं, ऊपर चढ़ जाते। अच्छा है वो स्टोन के ऊपर नहीं गिरा था, क्योंकि हो सकता है मेरे हार्ट वगैरह अगर कम हो जाते तो फिर। अबे ये कौन है, फेरस रॉट नॉट, जा पूछ क्या। फेरस रॉट नॉट सही पढ़ रहा हूँ ना मैं, जो भी इसका नाम है। हाँ यहीं से तो स्टार्ट हुई थी, डोंट गो यहाँ पर जो लिखा हुआ था। तो चलो चलते हैं, लेकिन नहीं डायरेक्ट। अबे हाँ सही सोच रहा था मैं, डायरेक्ट जाऊँगा तो फिर लग जाएगी चोट। अबे भाई,
ऐसा लग रहा है कोई कील ठोक रहा है। इसके पीछे किसी ने डायमंड के स्वॉर्ड घुसा दी, इसको मारते हैं। लग क्यों नहीं रही भाई, क्या असली में लोहे का बना हुआ है क्या ये? कहीं पे भी नहीं लग रही इसको, इसको मारूंगा कैसे मैं? इसको मारना कैसे समझ गया? ये क्या कुल्हाड़ा और उसका सर मिल गया। एक सोफा 1000 meters और शिफ्ट एंड राइट क्लिक टू। ओके समझ गया, वो शॉक वेव जो मार रहा था ऐसे।
इसका हेलमेट ज़्यादा अच्छा नहीं है।